और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। दुनिया भर से शुभकामना संदेश आ रहे हैं और देश में उत्सव सा माहौल है। पूरे विश्व में भारत का परचम लहराने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। पीएम मोदी को दुनिया भर से जन्मदिन की बधाइयां मिल रही हैं, वहीं देश भर में भाजपा के कार्यकर्ता भी पीएम मोदी के जन्मदिन पर विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं। मोदी आज 70 साल के हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी सुबह से ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे हैं। दुनिया भर के नेता उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मोदी के नेतृत्व की तारीफ की। पुतिन ने लिखा, एक सरकार के मुखिया के तौर पर अपने कामों से अपने देशवासियों के बीच सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा हासिल की है। आपकी अगुवाई में भारत सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। वाराणसी में भी कार्यकर्ताओं ने आकर्षक रंगोली बनाकर केक काटकर दीप जलाकर धूमधाम से पीएम का जन्मदिन मनाया। देश का भला हो रहा है, लोगों का भला हो रहा है, तो इतना ही भाव है कि अपने घर की व्यक्ति का जन्मदिन है तो काशी के प्रत्येक व्यक्ति मान रहा है कि अपने बड़े भैया का जन्मदिन है और ऐसे मना रहा है। आज विश्वकर्मा जयंती भी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो ट्वीट कर देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं दी। पीएम ने लिखा, आज का दिन उन लोगों को समर्पित है जिनके लिए कर्म ही पूजा है, जो अपने सृजन से संपूर्ण मानवता को समृद्ध करते हैं। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी